Welcome to back our YouTube channel. Enjoy study. Let's make learning more easy. Friends, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के बारे में, जहां पर हमने अपने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट मेथड से फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज मेन को निकालना सीखा था. आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड मेन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज, यानी डिस्क्रीट सीरीज से हम अपने मेन को कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड का यूज करके. अभी तक हम लोगों ने मेन का डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर लिया था, आज हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड के बारे में. तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा. ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मेथड से, जब हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज का यूज किया था, जहां पर हमने डायरेक्ट मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर उठाया है, ताकि आप दोनों मेथड का एक बार कंपैरिजन कर सको, जिससे समझना आसान हो जाए कि शॉर्टकट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है. बट आप चाहे शॉर्टकट मेथड यूज करो या स्टेप डेविएशन या फिर डायरेक्ट मेथड, तीनों ही मेथड से आपका आंसर हमेशा इक्वल होगा. आंसर में कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, चाहे आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करें. तो चलिए एक बार क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा है, जहां पर आपको x की वैल्यू दी हुई है 4, 6, 9, 10, 15 और आपको f की वैल्यू गिवन है 5, 10, 10, 7, 8. देखो डिस्क्रीट सीरीज, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज को हम बोलते हैं अपना खंडित सारणी. जहां पर आपको क्लास इंटरवल नहीं होते हैं, एक्स और एफ की वैल्यू गिवन होती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज का यूज करके हम अपना मीन को निकालते हैं. एक्स के ऊपर अगर हम बार लिख दें तो ये हमारा मीन का सिंबल होता है, माध्य का सिंबल होता है मैथ्स में. तो यूजिंग शॉर्टकट मेथड हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ए प्लस सिग्मा एफ डी, या किसी किसी बुक में आपको डी की बजाय डी डैश मिलेगा तो एक ही बात है, अपॉन सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन. यहाँ पर आपको या तो ये फॉर्मूला मिल सकता है या सिग्मा एफ की बजाय आपको एन गिवन होगा. अभी एक एक को हम ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर ए का मतलब है अज्यूम्ड वैल्यू, जो आपने अज्यूम किया, और इस वैल्यू को आप किस में से फाइंड आउट करेंगे, अपना एक्स में से. ये जो अज्यूम्ड वैल्यू है ये आपको किस में से करनी है, फाइंड फ्रॉम एक्स. तो वैसे बिल्कुल अपने फॉर्मूले से ही पर निकालेंगे कि हमें कौन कौन सा स्टेप करना है. तो सबसे पहले अपने एक्स पर चलते हैं. वी नो दैट कि एक्स जो आपको ए लेना वो एक्स में से लेना है. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम ए किसको मानेंगे, अज्यूम्ड वैल्यू हम किसको ले. तो पूरी सीरीज में आप किसी भी पॉइंट को ए ले सकते हो, उससे आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा. हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, ताकि हमें याद रहे, तो हम अपना एक्स में से कोई भी बीच का नंबर उठा लेते हैं. यहाँ पर देखो अगर इसमें बीच का नंबर हमारा 9 है, इसको हम ए ले लेते हैं. यहाँ पर आप 10 को, 15 को, 4 को, 6 को, किसी भी को भी हम ए मान सकते हैं, उससे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा. और जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप ए को 10 या 15 ही लेना, और तब क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखना कि क्या क्वेश्चन में कोई आपका डिफरेंस आता है या सेम आंसर आता है. उससे आप लोगों का एक तरीके से उसकी जांच भी हो जाएगी कि हाँ, क्रॉस चेक हो जाएगा कि हाँ भाई, हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो हमारा जिसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज डी, डी डैश, वो आपका निकलता है एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से हम ए को माइनस कर देते हैं. तो यहां पर हम निकालेंगे अपना डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. तो एक्स की जो वैल्यू है उसको हम रखते हैं यहां पर, और ए आपका क्या है, माइनस 9, माइनस 6, माइनस 9.
ए जो है आपका माइनस नाइन है, यहाँ पर हम अपना माइनस कर देंगे। अब जिसको सोल्व करेंगे तो माइनस फोर माइनस थ्री जीरो वन सिक्स, ये आपका आ गया डी की वैल्यू। अब अपने फॉर्मूला देखो, आपको लिखा हुआ है सिग्मा एफ डी डैश। एफ डी डैश का मतलब है कि एफ की डी के साथ मल्टीप्लाई, यानी एफ डी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। यहाँ पर आपने अपने डी की वैल्यू निकाल ली है, जो आपकी माइनस फाइव माइनस थ्री जीरो वन और सिक्स निकली है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट के बारे में, जहां पर आपका है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई डी, यानी एफ की डी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, दैट इज एफ डी। तो यहाँ पर जो आपका एफ है उसको लिखो फाइव टेन टेन सेवन एट, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो जो आपने डी बनाया है, माइनस फाइव माइनस थ्री जीरो वन एंड सिक्स। आप जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका निकल के आया है, यहां से आपका निकल के आया माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी जीरो सेवन फोर्टी एट। आप देखो जो प्लस वन है लिखा, तो माइनस की जो वैल्यू निकली है वो आपकी निकली है माइनस का फिफ्टी फाइव, और प्लस की जो वैल्यू निकली है वो भी आपका निकला है फिफ्टी फाइव। माइनस फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव, अगर इन दोनों को हम प्लस करके देखें तो प्लस माइनस कर दे, तो यहां से आपका आंसर क्या बनता है जीरो। तो यहां से आपका क्या आंसर उठा, जीरो उठा। अब हम जो अपना दिया है उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई नाइन, सिग्मा एफ डी आई हमारा कितना है जीरो, अपॉन यहाँ पर हमें दिया है सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ अभी तक हमने नहीं किया था, तो उसको जल्दी से एक बार निकाल लेते हैं। फाइव प्लस टेन फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फाइव, प्लस सेवन थर्टी टू, प्लस एट फोर्टी। तो आपका सिग्मा एफ कितना आ गया हमारा फोर्टी। और देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, वी नो दैट अगर जीरो ऊपर है नीचे फोर्टी है, तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा जीरो, आपकी मीन की वैल्यू क्या निकल के आ गई नाइन। तो दैट इज योर आंसर। एक बार आप यहाँ पे x की वैल्यू 10 या 15 में से लेके देखना, और इस क्वेश्चन को करके देखना कि आपका आंसर 9 आता है या नहीं आता है, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करना।